काफी रोमांचक मुकाबले की उम्मीद। आ गया। नीचे आ जाओ। ना, पकड़ के खड़े आ रहे हैं। ओलंपिक्स के 72 किलो वर्ग का ये फाइनल मैच रशिया और अमेरिका के पहलवानों के बीच। और दुख की बात ये है कि भारत में कुश्ती इतनी लोकप्रिय होने के बावजूद ओलंपिक्स में भारतीय पहलवानों का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। मेडल तो अपने छोरे भी ला सके हैं भाई साहब, पर कोई बढ़ावा दे तब ना, ना पैसे ना फैसिलिटी, किस तरह जीतेंगे मेडल अपने छोरे? पर मुंह जलाने से कुश्ती जीती जाती ना भाई साहब, तो आप तो कब के मेडल जीत चुके होते। नया है कि तभी मैं सोचूं, कभी अखाड़े में उतर के देख, लंगोट से पहले हवा टाइट हो जाएगी। आपकी लगता है कई बार हुई है भाई साहब हवा टाइट, अखाड़ा होता तो देरी कर देता। अखाड़े की क्या जरूरत है? Now the moment we were all waiting for. The stage is all set for a big fight. There is palpable excitement in the air. Both the wrestlers are walking for the fight. बिल्कुल सही कहा आपने टॉम, एक बहुत ही रोमांचक मुकाबले की उम्मीद, दर्शकों में उत्साह और दोनों ही पहलवान आमने सामने। देखना दिलचस्प होगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। कस्टमरी हैंडशेक, रेफरी की विसिल और ये मैच शुरू। मन में कोई मलाल रह गया हो तो एक बार और कोशिश कर ले। Now the wrestlers are gearing up for the next round. बिल्कुल टॉम, शुरू में मुकाबला जितना आसान लग रहा था उतना आसान ये है नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। दोनों ही रेसलर्स एक दूसरे को परखते हुए, शानदार अटैक, उतना ही बढ़िया डिफेंस और ये बहुत ही बेहतरीन मूव, बहुत ही शानदार मूव था ये। समझ में नहीं आया क्या हुआ और ये कौन अटैक, पर काउंटर अटैक। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि रशिया का पहलवान इतनी जल्दी चित हो जाएगा। दम है तेरे में, स्टेट लेवल चैंपियन को हराया तूने। अरे दिल छोटा मत कर, नेशनल लेवल चैंपियन से आ रहे तू। क्यों है हमारे ताऊ जी महावीर सिंह फोगाट परसों पहले पहलवानी छोड़ चुके हैं, पर पहलवानी ने इनको आज तक नहीं छोड़ा। कहानी पग पग प्यारे दंगल दंगल।
वाला ही जीतेगा। तो देख, सिर्फ बोटी बनाने से कोई पहलवान नहीं बना जाता। इतना बेटा, पहलवानी जो है ना, वो खून में होती है भाई साहब, खून में। क्यों ले, तू के लड़ा। इधर है। जब थाली में रोटी ना होगी तो मेडल खाओगा के कोई ना पूछता तेरी इस पहलवानी को जो नौकरी मिल रही है, चुपचाप कर ले। तुमने पहलवानी क्यों छोड़ी? छोड़ी नहीं भाई, छोड़नी पड़ेगी। पहलवानी में शोहरत कमाई, इज्जत कमाई, बस पैसे नहीं कमा पाया, नौकरी कर ली। हर पहलवान अखाड़े में यही सोच के उतरता है कि वो देश के लिए कुछ करेगा, पर देश ही पहलवान के लिए कुछ ना करे तो बेचारा पहलवान के करेगा। इसके लिए मेडल नहीं ला पाए, इसमें आपकी गलती थोड़ी ना थी। कब तक इन फोटो को देख देख क्या दुखी होते रहोगे? जो मैं करना चाहता था वो हमारा बेटा करके दिखावेगा। देश के लिए गोल्ड जीतेगा हमारा बेटा, तो अपना तिरंगा सबसे ऊपर लहरा। उस दिन ताऊ जी की हालत उस स्टूडेंट जैसी थी जिसका बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने वाला हो। चिंता ना करो भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा। चोरी हुई है। ताऊ जी छोरे की उम्मीद लगा के बैठे थे, आ गई थी छोरी। कोई ना, बहन आ गई ओमकार की। मैं भीतर से खुश था और ताऊ जी सिर्फ बाहर से। अरे उसके बाद किए था भाई, ज्ञानियों का ज्ञान था, ताऊ ताई का कान था और हर किसी के पास छोरा पैदा करने का अचूक प्लान था। काली गैया को सफेद तिल के लड्डू बाजरे की रोटी में लपेट के उल्टे हाथ से सूरज निकलने से पहले खिला देना, छोरा पक्का। महावीर, पुत्र मंत्र लिख के दे दिया, सच्चे मन से जाप करते रहना। ले, अरे ले, रुक जा। देखो बेटा महावीर, कोशिश केवल इतवार को ही करनी है, बाकी के दिन स्वयं ना। लोगों ने सलाह देनी बंद करी। योले बेटा, ना ताऊ ताई ने मानी। डिलीवरी का दिन आ चुका था और आता गांव भी छोरा होने का क्रेडिट लेने। भाई आने वाला है गीता का, खूब खेलेगी बेच। छोरी हुई पर ना ताऊ जी को छोरा मिला, ना गांव वालों को क्रेडिट। पर इन चूक समाधानों में आखिर चूक थी किसकी? काली गैया के धोखे में भैंस को खिला दियो की रोटी, नहीं तुम्हारी मासी की छोरी को देख लियो रोहतक वाली, 3 साल में 3 छोरे हो गए तंदुरुस्त। अब जब पाला उल्टी फेरेगा तो रिजल्ट भी उल्टा।
आवेगा ना। संयम इंसान की लगाम है। मन्ने को कहा था कि कोशिश सिर्फ इतवार को ही करनी है, उसने रोड घोड़ा दौड़ा होगा। मैं आपको छोड़ा ना दे पाई। इसमें तेरी गलती थोड़े ना है, गलत मत समझ मैं। गीता और बबीता दोनों ही बहुत प्यारी है मन में, पर मेरा जो सपना है ना, सिर्फ छोरा ही पूरा कर सके। समय बीता, ताऊ जी ने जिद पकड़ ली थी कि उन्हें छोरा ही चाहिए, पर शायद भगवान ने भी जिद पकड़ ली थी। तीसरी भी छोरी हुई और चौथी भी। इस बार तो मैं भी भीतर से दुखी था। खाना लग गया पापा, खाना। उसके बाद ताऊ जी ने छोरे की उम्मीद से और अपने सपने से दोनों से ही मुंह मोड़ लिया था। शाम को दंगड़ देखना चलेगा क्या है? तू जा। ओ महावीर, छोरा हुआ मन लाडू तो करता जा। क्या हुआ भाई साहब? देखो ना भाई साहब, कितनी बुरी तरह से मारे हैं। आप ही बोलो ना कुछ। देखो ना भाई साहब, कितनी बुरी तरह से मारे हैं। सुझा दिया है मार मार के। सुझा दिया मार मार के। क्यों मारा? मन ने ना मारा था मुझे। गीता बबीता ने मारा है। शुरुआत इन्ना करी थी पापा, मना कुतिया कह रहा था बबीता ने कमीनी, हम ना बिठा दिए दो चार। इतनी सी बात पे कोई इतना मारता है क्या भाई साहब? इतना तो नहीं मारना चाहिए था, बच्ची समझ के माफ कर दो। आपकी छोरी है इसलिए छोड़ दिया भाई साहब। चल छोरी होते बिटिया। इधर आओ, इधर आओ। आग कैसे नहीं मरेंगे पापा? पहले यो बता, मारिया कैसे? उसने मना कुतिया बोला तो मैं तो चुप रह गई,
लेकिन उसने बबीता को कमी नहीं कह दिया। बस मनाला पक्के है, उसके पेट में दे मारिया घुसन। इधर से दूसरा वाड़ा भी आ गया। मन ने उसके बाढ़ पकड़ के नीचे पटक दिया और पिंटू को डूबने वाले को तिनके का सहारा काफी होता है। यहाँ तो ताऊ जी को दो दो लाइफ गार्ड मिल गए थे। मैं हमेशा यो सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लाता। बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा नाम है या छोरी। आज के बाद गीता बबीता ना चूल्हा चौका करेंगी ना झाड़ू पोछा। इनके खून में पहलवानी है, आज के बाद यो सिर्फ पहलवानी करेंगे। पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें। हमारी छोरियां छोरों से कम है के? मैंने तो ना देखा आज तक छोरी को पहलवानी करते। गांव वाले के बोलेंगे। कब तक बोलेंगे? छोरियों के हाथ पैर टूट गए तो जुड़वा लेवेंगे। पैसे कहां से आवेंगे? पता नहीं। अपने जुनून के लिए छोरियों की जिंदगी बर्बाद मत करो। बस एक साड़ देते मन ने, एक साड़ तक तो अपने गले जेब पे पत्थर रख ले। अगर गलत साबित हो गया तो मैं जिंदगी भर अपने गले जेब पे पत्थर रख लूंगा। कल सुबह 5 बजे तैयार रहना। क्यों पापा? तुम दोनों को गोलगप्पे खिलाना है 5 बजे। हाँ क्या कर दिया तूने? मने लग गया तूने कुछ करे होगा। आओ। कैसे? टिक्का थोड़ा कम है पापा। हाँ भाई थोड़ा और तीखा बना दे। जितना खाना है अभी खा लियो, क्योंकि आज से तुम दोनों पहलवानों की जिंदगी जियोगे। और पहलवानों को गोलगप्पे चूरण अचार चटपटा जो सब तुम दोनों को पसंद है ना, वो सब खाना मना है। आज के बाद ना मिलेंगे।
25 चाहिए मन्ना, चल नीचे छोरों को पीटना की इतनी बड़ी सजा आज तक पूरे विश्व में किसी को ना मिली होगी। काली तो उसने मने दी थी ना, तन्ने आदरवाणी की क्या जरूरत थी है? अब बता रही है तन्ने बोला पिकड़ी के शिकड़ी के जाना है माड़ा जो और नीचे तक काल बात कर रहा है महावीर, छोरियां और अखाड़े में इस उम्र में पाप करवा देगा के अपनी माटी की हमेशा इज्जत करना, क्योंकि जितनी इज्जत तुम माटी की करोगी उतनी ही इज्जत माटी से तुमने मिलेगी। बबीता को अखाड़े तक तो ले आए थे, पर एक कमी नजर आ रही थी। गीता और बबीता को तगड़ी प्रैक्टिस करने के लिए तगड़े पहलवानों के साथ लड़ने की जरूरत थी। ओमकार, अपना ओमकार। हाँ, यू क्या कह रहे हो भाई साहब? आप छोरियों से पहलवानी करवा रहे हो, वो कम था के जो अब छोरों के साथ पहलवानी करवाओगे? हाँ,
ना बोलने का तो जीना है भाई साहब, और ना बोलने की हिम्मत ना है तो भेज दे। तुम दोनों के चक्कर में मेरी क्लास प्री पढ़ने लग गई। रो क्यों रहा है? तेरी तो सिर्फ क्लास लगी है, हमारा तो सिलेबस ही बदल गया है। चल दौड़। पापा भी ट्रेनिंग के लिए किसने पकड़ के लाए हैं? जो बावड़ी पूछ के मक्खी मारेगा। अच्छा यो तो मना केटू जेटू लग गया है। केटू जेटू मतलब खून कमजोर जाता। केटू जेटू साथ लड़ेगा। अभी आया था जी। आपका तरीका समझ नहीं आता। एक वक्त पे या तो इनका गुरु हो सकता हूं या बाप। जहां गुरु होगा ना वहां बाप नहीं हो सकता। चिट्टू चिट्टू बोलने के लिए सॉरी। सॉरी की बच्ची। दाग लगा रखे है क्या? वो तन्ने पटक नहीं दे रहा है और तू खा रही है। रेल लेफ्ट साइड पे पटक रहा है तो लेफ्ट साइड पे जोर लगा के क्यों ना रोक दी उसने? हैं? सॉरी पापा। बेटा ये कुश्ती है, 3 सॉरी में खेल खत्म हो जाता है। चल फिर जोर लगा। जानना है के तेरे में आप छोरियों से पहलवानी करवा रहे हो। मैंने कुछ ना बोला लेकिन मेरे चौके में मुर्गा ना बढ़ेगा बस। रह समझा कर, पहलवानों को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। जो भी जरूरत हो मेरे चौके में मांस मछली बनी तो मैं खाना छोड़ दूंगी। तू चाहती है तेरी छोरियां कमजोर पहलवान बने? मैं कुछ नहीं जानती। मेरे चौके में मुर्गा ना बढ़ेगा तो ना बढ़ेगा। ओमकर जी चूल्हा बनाना आता है तन्ने? नहीं तो जी। तो सीख ले। दूध बादाम घी के पैसे पूरे ना बढ़ रहे, अब चिकन के पैसे कहां से आवेंगे? मतलब 100 रुपए का चिकन 20 रुपए में दे और इसमें मेरा फायदा है? यो गणित तो बस आप ही समझाओ फिर। देख आज नहीं तो कल गीता बबीता टोप की पहलवान बढ़ेंगी, पर जब लोगों को पता चलेगा कि वो तेरी दुकान का चिकन खाती हैं, तो लोग चिकन खरीदने कहाँ जावेंगे? बात तो फायदे की है पर 20 रुपए। और दुकानें भी हैं। सुनो तो सही, 40 कर देते तो 40। 25 से एक देला ऊपर ना दूंगा। प्याज भून दिया है और यो कढ़ाई वापस मेरे चौके में ना जावेगी।
चिकन को कढ़ाई में डालिए। चावड़ के साथ खाते हैं, वैसे रोटी के साथ भी खा लेते हैं। ताऊ जी अपनी ड्यूटी कर रहे थे और गांव वाले अपनी छोरियां ना चूल्हा चौका करती है छिलो के कुश्ती कराटे नहीं। बावड़ा हो गया महावीर सिंह, बावड़ा नहीं बेशर्म हो गया। अपनी छोरियों को छोटी छोटी निकर पहना के चोरों के साथ कुश्ती करवा रहे हैं। पहलवानी कर करके तुम दोनों की चाल एकदम मर्दानी हो गई है, आगे पता नहीं क्या होगा। आगे एक शब्द भी बोलना ना तो तेरा मुंह होगा और मेरा मुक्का। जो तू एक छोरा दे देती तो यो दिन ना देखना पड़ता। इनकी माँ ने भी तो मुंह में दही जमा रखा है। सारा गांव हंस रहा है हम पे, कौन कराएगा छोरियों से ब्याह। मैं अपनी छोरियों को इतना काबिल बनाऊंगा कि छोरे उनको देखने नहीं वो छोरों को देखने जाएंगे। आज तो मैं पापा को बोल दूंगी कि पहलवानी जम नहीं रही है। मैं भी पापा को पहलवानी जम नहीं रही है अभी तो। हाँ पापा, और ना वो गीता दीदी तो इतना थक जाती है कि क्लास में ही सो जाती है। बाय गॉड, पढ़ाई पे बिल्कुल कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही है। पविता को पूरी बॉडी में दर्द रहता है, किस करवट से होगा समझ नहीं आता। स्कूल में छोरियां गीता दीदी को मर्द मर्द बोल के चिढ़ाती है। बताओ इनमें से तो मन ने कोई प्रॉब्लम ना ला ली, कोई असली प्रॉब्लम हो तो बताओ। पापा वो मट्टी में कुश्ती कर करके सारे बाल खराब होने, इसका तो जूं भी पड़ गई। शाम को 8 मारी है। यो है असली प्रॉब्लम। ठीक है, कल सुबह 5 बजे तैयार है। पापा प्लीज, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा हमने तो बहुत मजा आ रहा है। प्लीज पापा बाल मत कटवाओ, आप जो भी बोलोगे हम करेंगे। माँ तुम कुछ क्यों ना कहती, देखना पापा क्या कर रहे हैं। प्लीज पापा बाल मत कटवाओ, पापा आप जो भी बोलोगे हम सब कर लेंगे। आप सुबह उठने को बोलोगे हम सुबह उठ जाएंगे, दौड़ लगा लेंगे, चू तक ना करेंगे, बस बाल मत कटवाओ पापा। प्लीज प्लीज बाल मत कटवाओ पापा। काट काट दूं बड़ा सके है कि तो काट। पहलवानी तक तो ठीक था भाई साहब, पर इस तरह गुटमुंडा करवाना ठीक नहीं। छोरियां हैं, बस इतना समझ ले जो भी कर रहे हो उनके भले के लिए कर रहे हो। और वो चीज जो पहलवानी सिंह का ध्यान हटाएगी मैं उसने हटा दूंगा।
अरे चौधरी का चांद है कि आफ्ताब है, समझ नहीं आ रहा है भाई, आज तो दोनों साथ साथ है। जान दे बबीता, अपना ही टाइम खराब चल रहा है। भौतों की पहलवानी अब तक कलयुग का। इसके बाद हरियाणा के एक छोटे से गांव बलाली डिस्ट्रिक्ट भिवाड़ी में आजादी की एक छोटी सी लड़ाई लड़ी गई। क्रांतिकारी गीता और क्रांतिकारी बबीता वर्सेज हुकमरान महावीर सिंह। ताऊजी के हर सेनानी पे दबे पांव अटैक किए गए। अलार्म घड़ी को चलाकी से गुमराह कराया गया। क्या बात है पापा, आज लेट हो गए, उम्र हो गई है। कोई नहीं, हम ना तो प्रैक्टिस कर लिए। चल बबीता। न जाने कितने लट्टू वीर गति को प्राप्त हुए। बल्ब रोज फ्यूज किस तरह हो जाता है? क्वालिटी पापा जी, क्वालिटी। ट्रेनिंग में पेनिंग का बहाना बनाया गया। रणभूमि में बिना किसी दबाव के सरेंडर कर दिया गया। और ताऊ जी दोनों हाथ होते हुए भी अपने आप को सोले के ठाकुर की तरह हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया, पर ताऊ जी सब समझ रहे थे कि गीता और बबीता अचानक इतनी कमजोर कैसे हो गई थी। और गीता बबीता को लग रहा था कि उन्होंने जंग जीत ली है। अरे सुनीता की मेहंदी में जा रही हो, वो मम्मी नाक कटवानी है क्या मेरी? कौन सी? यू वाली। देखो तो। चलो मेरी छोरियां छोरियों जैसी तो लग रही हैं। पापा को मत बताना, आठ के पहले आ जाना। जाके बाजार से दादू ने ला।
एक ही दिन तो प्रैक्टिस मिस करी। इतना बड़ा पवाड़ खड़ा करने की क्या जरूरत थी? कौन बाप अपनी छोरी से पहलवानी करवाता है? सुबह 5 बजे उठा के दौड़ाता है, मजदूरों की तरह काम करवाता है, छोरों से लड़वाता है और जरा सी चूक जाकर तो सर के पार तक कटवा देता है। ऐसा बाप भगवान किसी को ना देवे। काश भगवान ने ऐसा बाप बने दिया होता। थारा बाप कम से कम थारे बारे में सोचता तो है, वरना यहाँ तो हाल यू है कि छोरी पैदा हुई तो सिखा दो उसे चूल्हा चौका, करा लो उसे झाड़ू पोछा, और जो 14 की हो जाए तो कर दो उसके हाथ पीले, छुड़ा दो पीछा, कर दो उसे एक ऐसे मर्द के वाले जिसे उसे कभी देखा ही नहीं, कर दे तो पैदा बच्चे, पाल ले दो ने। थारा बाप कम से कम थारे को औलाद का दर्जा तो दे रहा है, पूरी दुनिया से लड़ रहा है, उनकी जली कट्टी सुनकर चुप है क्यों? ताकि तुम दोनों कुछ बन सको। इसमें गलत क्या कर रहे हो? देती है किसकी तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। समझ में आ गई थी, इतना पवित्रता का तो पता नहीं था, पर मेरे खून में पहलवानी कतई ना थी। इतना घी दे दे माँ, किक्कर हो गया। वो तो मैं तेरा मन रखने के लिए जानबूझ के हार रहा हूँ। चल किट्टू जट्टू, जानबूझ के हार रहा हूँ। राय टेंशन मत ले, बात अपने बीच में रहेगी। है तो तू भी अपनी फैमिली का, लेकिन मैं दंगल के लिए रेडी ना हूँ ताऊ जी। मैं तेरी बात कौन कर रहे हैं? यो लड़ेगी छोरों से? अरे 2 मिनट भी ना टिक पावेगी ताऊ जी। क्यों, तू छोरा ना है के? तन्ने तो टिका दिया इसने। वैसे तो मैंने बहुत दंगल देखे थे, पर आज ऐसा दंगल देखने जा रहा था
जो हरियाणा में पहले किसी ने ना देखा था। बवाड़ तो होना ही था। महावीर सिंह जी फोगाट, राम 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 राम। आप दंगल देखने आए, शोभा बढ़ गई मारी। सात पहलवान भी लाया हूं। नाम बताओ। गीता कुमारी फोगाट है जी। गीता कुमारी फोगाट। छोरी से दंगल लड़वाओगे? हाँ तो लिख। देखो भाई साहब, जिस दिन रोटी बेलने का कंपटीशन कराऊंगा ना, उस दिन लेना गीता जी को यहाँ। क्या दंगल हो रहा है। बड़ी दूर से आए हैं, लड़े बिना तो जावेंगे नहीं। या तो गीता लड़ेगी या तू और मैं। एक तो आप गलत बात कर रहे हो और ऊपर से जिद भी कर रहे हो। ये गलत बात कर रहा हूँ मैं? छोरी कहा छोरे से दंगल लड़वाओगे? भाई आपको अपनी इज्जत प्यारी ना तो ना सही। हमने अपनी इज्जत बहुत प्यारी है भाई। तेरी इज्जत तो मैं यही उतार दूंगा। भाई साहब देखिए, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो ना हो सके। ये ना हो पाएगा भाई साहब। चल कमाल कर रहा है यार। दाव लगाने का मौका मिल रहा है और तू वो कवर दे रहा है। मतलब कितने साल से दंगल करा रहे हम? पांच। और कितने लोग आते हैं हमारा दंगल देखने? मुट्ठी भर। तू? अरे मंदबुद्धि जरा सोच, जिस शहर ने आज तक छोरी को लड़ते हुए नहीं देखा, उस शहर में छोरी छोरों से लड़ने अखाड़े में उतरेगी तो कितने लोग आऊंगे? दंगल हिट हो जाएगा हमारा। अरे छोरी के हाथ पांव टूट टाट के तो टूटने दे। तू तो अपने टूटे दंगल पे मरहम लगा तो 2 रुपए भी लेगा ना टिकट के, तो भी तेरे पहलवान महीने भर बैठ के खाएंगे। महावीर जी, भाइयों और बहनों, बुड्ढों और बुड्ढियों, आपने सांप निकलने वाली छोरी बहुत देखी होंगी, आग में चलने वाली छोरी बहुत देखी होंगी, पर आज रोहतक के इतिहास में पहली बार छोरे के साथ दंगल लड़ने वाली छोरी को देखो। आधे घंटे में लाल चौक में टिकट सिर्फ 2 रुपए में दंगल वाली छोरी। चीटड़ा है आपका। अपने पहलवानों को शेरों से भी लड़वाता ना तो भी इतनी पब्लिक नहीं आती। क्या लग गए कितने सेकंड टिकेंगे? अरे जब तक तू बोलेगा तब तक तो चित भी हो जाएगी। ऐसे कपड़ों में लड़ेगी के रोमे तो ऐसे ही पूछ रही थी भाई। देखने में तो करारी लग गया यार। अरे किट्टी सड़ ही सड़ ना फट जावे। और अब फट जावे तो फट जावे ना यार। दंगल के नियम जानती है तो फिर चुन ले किससे हारना है तन्ने। क्या लागे है, किसको चुनेगी? अपने काकड़ी किकू को। पहली बार जीतेगा अपने किकू। जस्सी तो इसकी लस्सी बना देगा। चलो रे जाओ तीनों। बावड़ी होगी है तेरी छोरी, अब भी टेम है, रोक ले वरना सिंगल पीस में वापस ना जाएगी। दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। मेरी छोरी डर से तो जीत गई है। छोरी है, समझ के लड़ियो। बस छोरी समझ के ना लड़ियो।
गई। बच गई। जब लड़ी तो शाबाश। कमेटी की तरफ से विजयी पहलवान जस्सी के लिए 20 रुपए का नगद पुरस्कार और हमारे कप्तान जी की तरफ से गीता कुमारी के लिए 50 रुपए का नगद पुरस्कार। बच गया तू, वरना थैले में घर जाता। के बारे में लोगों ने एक बार फिर से बातें करना शुरू कर दिया था। तो लालजी से दो छोरी आती है और छोरों ने पटक पटक के जाती है। यो भाई साहब तो चोरी से हर गए। इतना तो तू लड़ ले। पर इस बार गालियों की जगह तालियों ने ले ली थी। कुछ लोग छोरी के साथ लड़ना नहीं चाहते थे पर कुछ लोग छोरी को लड़ने नहीं देना चाहते थे। जाइए।
बाल बढ़ा ले, फ्लैट कर देगी सबको। ताकत तो गेंडा भी लगाता है, लेकिन शेर लगाता है ताकत और टेक्निक दोनों। शेर बनना है, गेंडा नहीं, समझे? ट्रेनिंग कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है पापा, आपने तो देखा ही है, काफी कुछ नया सीखने को मिल रहा है, नई स्ट्रेटजी, दाब पिच, टेक्निक, वेरी गुड। और मैं तो सोच के आई हूँ कि इसने भी सिखा के जाऊंगी, इसने भी तो नेशनल जीतना है। बाल बढ़ा लिए तन्ने? अच्छा
सिर्फ अटैक नहीं करना, डिफेंस करना भी जरूरी है। पकड़ मन्ना, अब किस तरह छुड़ावेगी? यो पकड़ के तोड़ और बस, समझी? यो तो पुराना तरीका है। पकड़ मन्ना। नहीं पकड़। हाँ? ये अंगूठा ले, इस तरह अंदर घुसा और साइड में ले। सामने नहीं आ, साइड में। तो ये गलत है मेरी टेक्निक में, ये गलत है। ना पापा गलत ना है, यो ज्यादा करेक्ट वाला है, कुछ सबने सिखाया। गणी पहलवान होगी ये तो, इंटरनेशनल है। पापा मैं तो, मैं भी तो देखूं ऐसा के सिखा दिया तेरे कोच साहब ने जो तेरा बाप ना सिखा पाया। उसने नहीं मन ने सिखा। चल यो सिखा तेरे को साहब ने, इस तरह जीतेगी इंटरनेशनल मेडल। रेडी ना थी पापा। तू तो रेडी हो ले। आज जो है ना वो ठीक नहीं हुआ। क्या ठीक नहीं हुआ? यो
यो तो एक दिन होना ही था, किसी को तो बताना ही था कि पापा के तरीके कमजोर हैं। उनके तरीके कमजोर ना है दीदी, बस आदमी थोड़ा कमजोर हो गया। और यो मत भूलना कि उन्हीं कमजोर तरीकों के दम पे ही आपने नेशनल जीता है। कमजोर तरीकों से नेशनल जीता जा सकता है बबीता, इंटरनेशनल नहीं। और यो बात तो जितनी जल्दी समझ ले उतने फायदे में रहेगी। ठीक है दीदी, तो फिर आप अपने तरीकों पर भरोसा रखो, मैंने तो अभी भी पापा पे भरोसा। मैं भगवान से दुआ करूंगी तो नेशनल में अच्छा खेले, और मैं दुआ करूंगी कि आप इंटरनेशनल में अच्छा खेलो। झूठा जगरन बसरा साचा ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए नैना, जो मिल के रात जागते थे नैना, शहर में पल के मींचते हैं यूं जुदा।
सब कुछ नजर नहीं आ रहे पापा, मैं ठीक दरिया नहीं खेली क्या? नहीं बेटा, तो बिल्कुल वैसे ही खेली जैसा मन ने सोचा था, पर गीता इस तरह खेल लेगी मैंने कभी ना सोचा था। और अब तो तू भी नेशनल जीत गई है, तू भी एनएसए जाएगी, तन्ने भी नया कोच मिलेगा और तेरा पापा एक बार फिर पुराना हो जाएगा। हमेशा याद रहना बेटा कि तू यहां तक इस तरह पहुंची है, सोई नहीं थी और अब इतनी बड़ी इंटरनेशनल फाइट हार के भी आप मतलब एक सेकंड भी ना दिख रही आपके चेहरे पे दीदी। पापा ने सिखा के बैठ जाए था ना, पापा का सिखाया मैंने सब याद है दीदी, आप भूल गई हो। तू ना अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे, मैं अपनी देख लूंगी। और तू के टीचर बन रही है, एक ही भाई तो आ रही हूं। गीता कुमारी सेकंड राउंड में भी पीछे चल रही हैं। काफी कोशिश करी है उन्होंने पर पॉइंट्स नहीं ले पाई हैं। ये गीता की एक और कोशिश पर पॉइंट्स काशा के खाते में और इसी के साथ ये मैच खत्म। गीता कुमारी मॉस्को वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हो गई हैं। बड़ी ही निराशा की बात इंडिया के लिए, गीता कुमारी से इतने खराब प्रदर्शन की उम्मीद शायद किसी ने भी नहीं की थी। और जकार्ता में भी गीता पहले ही राउंड में बाहर हो गई हैं। इस्तांबुल वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गीता की करारी हार, और इंतजार करना होगा गीता को इंटरनेशनल मेडल के लिए। गीता हिम्मत मत हार, हमने बहुत मेहनत की तो अच्छा खेली भी, बस जीत नहीं पाई। इसका मतलब ये नहीं कि तू कहीं से भी खराब है, होता है कुछ लोग नहीं बने होते इंटरनेशनल के लिए। नेशनल में 3 साल तक सबको धूल चटाई है,
अब इंटरनेशनल के लिए ना बड़ी हूँ तो फिर मैंने ना पता कि इंडिया में कौन सी छोरी इंटरनेशनल के लिए बड़ी है। और जितना भरोसा मैंने है ना आप पे उससे कहीं ज्यादा भरोसा पापा को है। एक बार बात तो करो, किस मुंह से बात करो? पापा है हमारे दीदी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चार गालियां ही देंगे ना, खा लेना, उनकी गालियां भी तो हमेशा काम आई है ना हमारे। बबीता से बात हुई, कह रही थी कि ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है। और गीता ठीक ना है? एक बार बात तो कर लियो। भारत में होने वाले अब तक के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट 19 कॉमनवेल्थ गेम्स के शुरू होने में बस 6 महीने बाकी है। अब देखना ये है कि जिस स्पोर्टिंग इवेंट में दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं, उसमें भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में मुझे तुम लोगों से 3 मेडल चाहिए। अब वो मेडल तुम 3 लाओ, तुम 3 या तुम 3, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 6 महीने रह गए, बस झोंक दो खुद को, समझे? चलो गीता, एक मेडल तू लाएगी सर, पर उस कैटेगरी में नहीं जिसमें तू हार रही है, बल्कि उस कैटेगरी में जिसमें तू जीत सकती है, समझे? देख, 55 किलो कैटेगरी में तेरा टिक पाना मुश्किल है, अब तक ये बात तो तू भी जान चुकी होगी। 51 किलो में लड़ेगी तो टिक पाएगी और शायद जीत भी जाए। सबका डाइट स्ट्रिक्ट मॉनिटर करना है, मुझे कोई गलती नहीं चाहिए।
क्या कर रही गीता? संभल कर खेलना होगा गीता को, क्योंकि अगर अब दो पॉइंट्स और दे बैठेगी तो टेक्निकल सुपीरियरिटी के कारण ये राउंड हार जाएंगी। और ये गीता की अच्छी कोशिश और एडवांटेज मेलिसा को, और ये दो पॉइंट्स मेलिसा के। जिसका डर था वही हुआ, मेलिसा ने पहला राउंड टेक्निकल सुपीरियरिटी से 6-0 से जीत लिया है। क्या कर रही है गीता? इतनी बुरी तरह से तुम मत हार। अब देखना है कि पहला राउंड बुरी तरह से हारने के बाद गीता दूसरे राउंड में वापसी कर पाती है या नहीं। गीता का अच्छा अटैक, मेलिसा का काउंटर अटैक, दो पॉइंट्स फिर से मेलिसा को, और ये एक और पॉइंट मेलिसा को। मैच धीरे धीरे गीता के हाथ से जाता हुआ। हारना नहीं है गीता। चल गीता चल। गीता 3-0 से पीछे, उन्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। गीता कोशिश करती हुई पर पॉइंट्स उनके हाथ नहीं, और ये गीता के पास अच्छा मौका, दो पॉइंट्स गीता को। मेलिसा 3, गीता 2। गीता और पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करती हुई, लेकिन रेफरी की विसिल। धीरे धीरे राउंड समाप्ति की ओर जाता हुआ और गीता अभी भी एक पॉइंट से पीछे। लगता है गीता एक बार फिर से शुरुआती दौर में ही हार के बाहर हो जाएंगी। और दोनों ही रेसलर्स पॉइंट स्कोर करने की कोशिश करते हुए, और ये गीता के 3 पॉइंट, गीता 5, मेलिसा 3। अब इस मैच में वापसी के लिए गीता को बस 4 सेकंड रोकना होगा मेलिसा को। मेलिसा कोशिश करती हुई पर सफलता उनके हाथ नहीं, और इसी के साथ मैच में शानदार वापसी गीता की। मुकाबला 1-1 की बराबरी पर। गीता कुमारी फोगाट ने दिखा दिया है कि वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। देख गीता, आखिरी राउंड है, समझे? संभल के डिफेंड करके खेल, ठीक है? चल अटैक करके खेल। और ये फाइनल राउंड शुरू। गीता शुरू से ही अटैकिंग खेलती हुई, और ये एक पॉइंट गीता को। गीता 1, मेलिसा 0। गीता मेलिसा पे हावी पड़ती हुई, उनके हाथ नहीं। फिर से अटैक, दो पॉइंट्स गीता के नाम। गीता 3, मेलिसा 0। या गीता अपनी लीड बरकरार रख पाएंगी? वेरी गुड, अब डिफेंड कर। गीता अभी भी अटैकिंग खेलती हुई। गीता का अटैक, मेलिसा का काउंटर अटैक। गीता थोड़ी सी मुश्किल में, 3 पॉइंट्स मेलिसा को। बोला था डिफेंड कर, कोई ना, अटैक करती रहे। स्कोर 3-3 की बराबरी पर। तेरी गेम है गीता, तेरी गेम है। अब यह मैच किसी भी दिशा में पलट सकता है। गीता के पास जीतने का अच्छा मौका था पर उन्होंने अपनी लीड गंवा दी है। दोनों ही रेसलर्स संभल कर खेलते हुए, ये गीता थोड़ी सी मुश्किल में, काउंटर अटैक। 3 पॉइंट गीता को। मैच खत्म होने में बस कुछ सेकंड बाकी, या गीता मेलिसा को रोक पाएगी? और इसी के साथ गीता ने यह मैच जीत लिया है। गीता कुमारी फोगाट, जिनसे जीतने की किसी को कोई खास उम्मीद नहीं थी, उन्होंने ये मैच जीतकर सबको गलत साबित कर दिया है। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए महावीर सिंह फोगाट के लिए ये बहुत ही गर्व का मौका, और ये गर्व का मौका है पूरे देश के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया अब तक 5 गोल्ड, 13 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। विमेन्स रेसलिंग की 55 किलो कैटेगरी में सेमीफाइनल में पहुंच गई है इंडिया की गीता कुमारी फोगाट। मनोज जी, गीता का मुकाबला अब होगा नाइजीरिया की नेओमी एडवर्ड्स के साथ, जो कि 2 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। क्या लगता है? देखिए, नेओमी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है और बहुत अटैकिंग होकर कुश्ती लड़ती है। आप देख सकते हैं कि वो अपने अपोनेंट को तो किसी तरह का कोई अवसर नहीं दे रही।
आसान नहीं होगा इस बार मुकाबला गीता के लिए। हार तो तूने अपने मन की कर ली, अब वैसे करना है जैसे मैं बोल रहा हूँ, वरना इस नाइजीरियन से तो तू जीतने से नहीं। इस नाइजीरिया वाड़ी से जीतना मुश्किल है पर नामुमकिन ना है। अटैक करके खेलना होगा वरना पॉइंट्स नहीं ले पाएगी। अटैक करके नहीं खेलना है हमने। वो दो पॉइंट्स ले तो तू टीम के लिए जा, वरना दो पॉइंट्स लेने जाएगी और तीन दे बैठे। बहुत मौके मिलेंगे तुझे पॉइंट्स बनाने के, तू उसने मौका मत देना क्योंकि वो तन्ने मौका ना देगी। फंसा के खेलना है हमने, युवाड़ा पॉइंट्स ना मिलेंगे तो वो दावड़ी होगी और मौका देगी, बस वही मौका हमने ना छोड़ना है। 55 किलो कैटेगरी का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला, भारत की गीता कुमारी वर्सेस नाइजीरिया की नाओमी एडवर्ड्स। नाओमी शुरुआत से ही काफी अटैकिंग खेलती हुई और अपने नेचर के विपरीत गीता संभल कर खेलती हुई। नाओमी का एक और अच्छा प्रयास, गीता को थोड़ा सा मुश्किल में डाल के रखा हुआ है। गीता का अच्छा डिफेंस, नाओमी पूरी कोशिश करती हुई, गीता उनको रोक के रखे हुई है और ये रेफरी द्वारा इशारा। नाओमी ने पूरी कोशिश की थी पर गीता ने उन्हें अच्छी तरह रोक के रखा। अटैक करना, देख के खेल। एक बार फिर से मुकाबला शुरू, नाओमी थोड़ा सा रफ खेलती हुई, लगता है काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं उन्हें। नाओमी द्वारा गीता की फिंगर्स मोड़ी गई है, रेफरी द्वारा उनको वार्निंग और ये रेफरी ने मुकाबले को रोका। नाओमी को वार्निंग दी जा रही है, इस तरह का खेल रेसलिंग में अलाउड नहीं है। कोई नहीं गीता, कोई नहीं। मुकाबला एक बार फिर से शुरू, गीता अभी भी संभल कर खेलती हुई और नाओमी अटैक करने का मौका ढूंढती हुई। ये नाओमी का अटैक, 3 points नाओमी को, अच्छा रोक के रखा हुआ था गीता ने नाओमी को, काफी अच्छा प्रयास था ये, लेकिन अब 3 points दे बैठी है नाओमी 3 points से आगे। गीता को जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वक्त ज्यादा नहीं है उनके पास। नाओमी अभी भी अग्रेसिव खेलती हुई, गीता डिफेंस के साथ साथ मौके की तलाश में और गीता ने नाओमी को गिरा दिया है, 1 point गीता को। गीता की कोशिश अभी भी जारी, नाओमी पहली बार मुकाबले में मुश्किल में, क्या गीता 2 point लेकर बराबरी कर पाएगी? और ये टाइम समाप्त, अच्छा खेली गीता पर ये पहला राउंड हार गई है। क्या कर रही है गीता, अटैक करके खेलना। और इसी के साथ ये दूसरा राउंड शुरू। नाओमी शुरू से ही अग्रेसिव खेलती हुई, लगता है वो गीता को कोई भी मौका नहीं देना चाहती है और ये अच्छा डिफेंस गीता का। नाओमी एक बार फिर से मौका देखती हुई, गीता का अटैक, नाओमी का शानदार डिफेंस, काउंटर अटैक। मुकाबला काफी रोमांचक होता हुआ, दोनों ही पहलवान एक दूसरे को परखते हुए। नाओमी की कोशिश गीता को पलटने की, लेकिन गीता उनको अच्छी तरह से रोक के रखे हुई है। दोनों ही पहलवान गुत्थम गुत्था, नाओमी पूरा जोर लगाती हुई पर गीता उनको कोई भी मौका नहीं दे रही है। ये शक्ति का मुकाबला है, नाओमी पूरी कोशिश कर रही है पर गीता उनको कोई भी मौका नहीं दे रही है। एक बार फिर से नाओमी का अटैक, गीता द्वारा डिफेंस, नाओमी कोशिश करती हुई, गीता उनको रोक के रखे हुई है। नाओमी की हर कोशिश को गीता ने नाकाम किया हुआ है। एक बार फिर से गीता का अच्छा डिफेंस, नाओमी की एक और जोरदार कोशिश, गीता उनको किसी भी तरह रोक के रखे हुई है। नाओमी पूरा जोर लगा के कोशिश कर रही है, गीता एड़ी चोटी का जोर लगाकर उनको रोक के रखे हुई है और एक बार फिर रेफरी का इशारा, मुकाबला अभी भी 0-0। नाओमी सोच रही होंगी कि क्या किया जाए ताकि गीता का डिफेंस ब्रेक किया जा सके। वही नाओमी द्वारा गीता को पुश, पॉइंट्स ना मिलेंगे तो वो दावड़ी होगी और मौका देगी। और ये नाओमी का अटैक, गीता थोड़ी मुश्किल में, वही मौका हमने ना छोड़ना है। गीता का काउंटर अटैक, 3 points गीता को और इसी के साथ ये राउंड गीता ने 3-0 से जीत लिया है। नाओमी लुक एट मी, That girl, she's smart, but you're double smart, okay? Don't allow her to tone you easily. ये कैसा खेल रही है गीता तू? समन ने जैसा सिखा है, वैसे ही लड़ रही हूँ। और ये तीसरा और फाइनल राउंड शुरू,
दोनों ही रेसलर्स काफी संभल कर खेलते हुए, और यहाँ देखने वाली बात यह है कि नाओमी काफी संभल कर खेल रही है अपने नेचर के विपरीत। और ये नाओमी का अटैक, नाओमी ने एक बार फिर से गीता को मुश्किल में डालकर रखा हुआ है, लेकिन गीता ने बड़ी ही खूबसूरती के साथ खुद को डिफेंड करके रखा हुआ है। और एक बार फिर नाओमी का शानदार अटैक, गीता का उसमें शानदार डिफेंस, नाओमी पूरी कोशिश करती हुई, गीता उन्हें कोई भी मौका नहीं देती हुई। और एक बार फिर से लॉक पोजीशन, रेफरी का इशारा, दोनों पहलवानों को वापस जाना पड़ेगा अपनी पोजीशन पर, और मुकाबला एक बार फिर से शुरू। नाओमी का एक और अटैक, गीता का डिफेंस, नाओमी पूरा जोर लगाते हुए, क्या नाओमी पॉइंट स्कोर कर पाएगी? गीता किसी भी तरह नाओमी को रोक रखे हुई है। एक बार फिर रेफरी का इशारा, स्कोर अभी भी 0-0। नाओमी पूरी कोशिश करती हुई, और एक बार फिर से नाओमी का अटैक, गीता थोड़ी सी कुश्ती में, लेकिन उसने नाओमी को रोक के रखा हुआ है। नाओमी स्कोर करने की कोशिश करती हुई, लेकिन गीता बहुत ही अच्छी तरह से डिफेंड कर रही है। इस मुकाबले में गीता ने नाओमी को ज्यादा मौका दिया नहीं है। और एक बार फिर रेफरी का इशारा, दोनों ही पहलवान अपनी पोजीशन पे वापस, ज्यादा वक्त नहीं है, स्कोर अभी भी 0-0। देखना है कि कौन पॉइंट स्कोर करता है, और ये गीता का अटैक, नाओमी थोड़ी मुश्किल में, शानदार डिफेंस, गीता फिर से अटैक करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ ये मुकाबला 0-0 की बराबरी पे छूटा है। इसमें पॉइंट ले लेती टॉस हो रहा है। अब इस मुकाबले का फैसला टॉस से होगा, जिसे रेसलिंग की भाषा में क्लिंच बोलते हैं। टॉस जीतने वाले रेसलर को अटैकिंग पोजीशन और मनचाही ग्रिप मिलती है, और उसे 30 सेकंड मिलते हैं पॉइंट स्कोर करने के लिए। अगर रेड आया तो नाओमी को अटैक करने को मिलेगा, और अगर ब्लू आया तो गीता अटैक करेगी। 99% केसेस में जो टॉस जीतता है वही मैच जीतता है। लगता है किस्मत भी ये नहीं चाहती है कि गीता ये मैच जीते। नाओमी के खिलाफ 30 सेकंड डिफेंड कर पाना लगभग नामुमकिन है। Which leg you chose? और ये नाओमी ने अटैक करने के लिए गीता का राइट लेग चुना है। गीता डिफेंसिव पोजीशन लेती हुई, नाओमी अपनी मनचाही ग्रिप के लिए आगे बढ़ती हुई। अब गीता के पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो 30 सेकंड डिफेंड करे, या खुद पॉइंट स्कोर करके ये मैच जीते। और इस पोजीशन में नाओमी के खिलाफ ये दोनों ही लगभग नामुमकिन है। और ये क्लिंच शुरू, नाओमी गीता को गिराने की कोशिश करती हुई, गीता डिफेंड करती हुई, और ये नाओमी ने गीता को हवा में उठा लिया है, गीता थोड़ी सी मुश्किल में, और ये गीता का शानदार डिफेंस, काउंटर अटैक, और ये गीता ने पॉइंट स्कोर कर दिया है। इस मुकाबले में गीता के जीतने की किसी को कुछ खास उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड की प्रबल दावेदार माने जा रही नाओमी को क्लिंच में बहुत ही रोमांचक तरीके से हरा के फाइनल में प्रवेश किया है। हमें उम्मीद है कि गीता कुमारी फोगाट फाइनल में भी यही शानदार प्रदर्शन जारी रखेगी। देख लेते हैं, पता तो चलेगा गीता का फाइनल ऑस्ट्रेलिया वाली के साथ है या स्कॉटलैंड वाली के साथ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ गीता, जो जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई लड़की ने उसको फॉलो किया है, और नतीजे आप लोगों के सामने। आ गीता जी, दिखने में तो बढ़िया लग रही है, मतलब परवन्नी में। उत्तव जी, वो तो वही है डीवीडी वाली। अब तक तो बढ़िया ही खेल रही है लड़की, फाइनल में भी अच्छा ही खेलना है।
हमेशा से गीता पे भरोसा था, आज नहीं तो कल, इसने तो इंटरनेशनल मेडल लाना ही था। चलिए सिल्वर तो पक्का ही हो गया। इतना आसान नहीं होगा फाइनल। गीता जी आपका गेम बिल्कुल बदल गया है, ये कैसे हुआ? इसका पूरा क्रेडिट जो है वो मेरे पापा को जाता है। उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करना कभी बंद नहीं करा। बिल्कुल। अरे महावीर जी। समी भाई बधाई हो। महावीर सिंह जी बहुत बढ़िया लड़ी गीता, मतलब मलाली का नाम रोशन कर दिया जी। जो छोरियां तो अड़ गई, बोली गीता दीदी का बेंच वहीं जाके देखना है, नहीं तो खाना नहीं खाना। कैसा लग गया मैच? हां बहुत अच्छा। यो गीता दीदी को देते ना। यूके प्रसाद है, कल फाइनल है ना। जीती रहे। ऐसा कैसे चलेगा सर? वो महावीर सिंह ऑडियंस में बैठ के गीता को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कंफ्यूज हो रही है बेचारी, उसकी सुने या मेरी। उसका गेम देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो कंफ्यूज हो रही है। और वैसे भी आप ऑडियंस में किस किस को चुप रहने को बोलेंगे? नहीं आप कोच हैं, उसे तो आपकी सुननी चाहिए। नहीं सर वैसे सुन मेरा ही रही है, वरना वो फाइनल तक वो प्रॉब्लम क्या है? आपको तो ब्रॉन्ज चाहिए था ना, हो सकता है कल गीता गोल्ड जीत जाए। I'm surprised she's made it so far, but I'm happy for her. Should be an interesting final tomorrow, playing an Indian, front of an Indian crowd. Beating her, of course. Angelina, any pressure before the finals? Yeah, I'm sure she must be under tremendous pressure. I've beaten her twice. First round? Yeah. Yeah, first round. So thank you and namaste. स्ट्रेटर्जी क्या है पापा? कल की बस एक ही स्ट्रेटर्जी है बेटा, कल तन्ने इस तरह लड़ना है कि लोग तन्ने याद रखें। अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जाएंगे, गोल्ड जीती तो मिसाल बढ़ जाएगी। और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। छोरियों को देख रही है, कल तू जीतेगी तो अकेले नहीं जीतेगी, तेरे साथ उनके जैसी लाखों छोरियां जीतेंगी। हर वो छोरी जीतेगी जिसको लोगों ने छोरों से कम समझा है, जिसको चूल्हे चौके में झोंका गया, बच्चे पालने के लिए ब्याया गया है। कल का मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला है बेटा, क्योंकि कल तो सिर्फ उस ऑस्ट्रेलियन से नहीं बल्कि उन सबसे लड़ेगी जो छोरियों के बारे में ऐसा सोचते हैं। विमेंस रेसलिंग में 55 किलो कैटेगरी का ये फाइनल मैच इंडिया की गीता कुमारी और ऑस्ट्रेलिया की एंजेलिना वॉटसन के बीच। हम दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे कि आज से पहले किसी भी भारतीय फीमेल रेसलर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड नहीं जीता है। दर्शक भारी संख्या में उत्साह, तिरंगे और जुनून के साथ।
जैसे कि प्रथा है, गोल्ड मेडल जीतने वाले देश का राष्ट्रगान होगा। क्या कर रहा है? अरे गीता, आ जाओ, मीडिया वेट कर रहा है भाई। सब वेट कर रहे हैं। कब 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 और फिर फाइनली ताऊ जी के मुंह से वो गोल्डन शब्द निकला जिसे सुनने के लिए हमारे कान पिछले 10 साल से तरस गए थे। शाबाश। Okay.